सेना ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी जेसीओ को राजपत्रित अधिकारी करार दिया है। इस फैसले से सेना के 64,000 कर्मियों को फायदा होगा। इससे पहले सेना जेसीओ को अराजपत्रित अधिकारी मानता था। इसके बाद से ही जेसीओ रैंक के अधिकारियों में वेतन समानता और रैंकिंग को लेकर काफी असंतोष देखा जा रहा था। सैन्य मुख्यालय ने 2011 में आरटीआई के एक आवेदन के जवाब में कहा था कि जेसीओ अराजपत्रित अधिकारी होते हैं। बताया जा रहा है कि सेना ने जेसीओ को अराजपत्रित अधिकारी करार देकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसे अब सुधार लिया गया है। इससे नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर जैसी जेसीओ की तीन श्रेणियों के 64,000 कर्मियों को फायदा होगा। जेसीओ को अराजपत्रित अधिकारी बताने की गलती कैसे हुई, इसके बारे में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सैन्य कानून के मैनुअल में अधिकारियों और जेसीओ को अलग अलग परिभाषित किया गया है और हो सकता है कि उन्हीं नियमों की गलत व्याख्या के कारण ये समस्या पैदा हुई है। मौजूदा वेतन ढांचे के अनुसार सूबेदार मेजर और सूबेदार को तो राजपत्रित अधिकारी का वेतनमान मिल रहा है, लेकिन 55,000 नायब सूबेदारों को अभी भी अराजपत्रित श्रेणी के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। वेतन और भत्तों में असमानता के मुद्दे पर विचार करने के लिए तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।